ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड स्वतंत्रता के बाद से आज तक भारतीय सेना के लिए काम करते रहे हैं। आज उनका अंतिम दिन है। वह डिफेंस के अंदर में काम करते थे, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में। उनका काम बहुत तरह का सप्लाई का था, पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथ से लेके पैराशूट, आर्म्स एंड एम्युनिशंस, हार्डवेयर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स, शिपिंग, एरोनॉटिकल आइटम्स बहुत सारे थे। कुल एक 41 ब्रांचेस थे इनके भारत भर में और 80 से 85 हजार इंप्लॉय थे। इस सरकार ने सीएजी से रिपोर्ट मांगा इनके परफॉर्मेंस में। सीओजी ने बहुत सारे खामियां निकाली और उसके आधार पर सरकार ने कानून पारित किया पिछले साल कि इनका निगमीकरण कर दिया जाए, यानी डिफेंस सर्विसेज से निकाल के इनका कॉरपोरेटाइजेशन कर दिया जाए, पीएसयू की तरह बना दिया जाए। लोकसभा में जब यह कानून आया, बहस के लिए जब विपक्ष ने मांग की तो मना कर दिया गया। सरकार की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सारे ट्रेड यूनियन जो इनके हैं, मजदूरों से बातचीत हो गई, वो खुश है। बहस किस बात की? लोकसभा का तो खैर खिचड़ी बन ही चुका है। और वैसे आपको याद होगा उसी समय पिगासस भी हवा में था और कानून बिना बहस के ध्वनि मत से पारित हो गया, पास हो गया। उसके साथ साथ आया डिफेंस सर्विसेज इसेंशियल एक्ट, यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मजदूर हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। इन लोगों ने हड़ताल की धमकी दी थी पिछले जुलाई में। हड़ताल से जाने के पहले सरकार को बताना होता है, इन लोगों ने बताया ही नहीं और 26 जुलाई को हड़ताल पर गए नहीं। टाइम टाइम फुस हो गया। छोटे से संगठन तो थे, ऑल इंडिया डिफेंस, माफ कीजिएगा, ऑल इंडिया ऑर्डिनेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन, जो लेफ्ट से जुड़े हुए थे, और दूसरी तरफ आरएसएस का भी संगठन। ये सब के सब चुपचाप रह गए। और लोकसभा में श्री राजनाथ सिंह ने फिर से कहा कि आंदोलन की जरूरत नहीं, वो सब तो हमारी बात मान ही गए थे। इनके यूनियन का कहना है कि सरकार ने सारे कानून को धत्ता कर दिया, जो भी लिखित अलिखित समझौता इनके साथ हुआ था उसको खत्म कर दिया, और 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को अब यह 7 पीएसयू में बदलेंगे। डीपीएसयू कहते हैं, डिफेंस जुट गया। और सारा का सारा कल यानी 1 अक्टूबर से इनके जितने भी फैक्ट्री हैं, जितने एम्प्लॉय हैं, वह इन 7 डीपीएसयू में विभाजित कर दिए गए, बांट दिए गए, दे दिए गए। और सारे कर्मचारी 2 साल के लिए डेपुटेशन पे हैं, कोई डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। इसका ख्वाब ना देखें। और 2 साल के अंदर में अपने अपने जितने पीएसयू हैं सातों, अपने कानून बनाएंगे, अपने ढंग से करेंगे और बाकी सब कार्रवाई चलेगी। सरकार का कहना है सीएजी के रिपोर्ट के आधार पे कि ये लोग एफिशिएंट नहीं थे, अब एफिशिएंट बनेंगे क्योंकि कंपटीशन होगा इनका। इन लोगों का सप्लाई का बैकलॉग काफी लंबा चलता था। ये जो सप्लाई करते थे आर्म्ड फोर्सेस में 25 से 30% जो ऑर्डिनेंस आते थे, जो सामान आते थे, ऐसे ही पड़े पड़े बेकार हो जाते थे। वैसे बाय द वे आर्म्ड फोर्सेस में दुनिया भर की बात है, जब तक आपने सप्लाई दिया, सप्लाई का इस्तेमाल किया, तब तो कुछ पुराने पड़ जाते हैं। विश्व भर में
मिलिट्री इंडस्ट्री से ज्यादा कंपटीशन और शायद ही कहीं हो, क्योंकि केवल मुनाफा के लिए नहीं बना रहे, ये लड़ने के लिए भी बना रहे। जो आपने बनाया दुश्मन ने उससे अच्छा अधिक बना लिया, आपके ऑर्डिनेंस के जितने भी सामान है उसके पार्ट पुर्जे हैं वो बेकार पड़े रह गए, उसको आप रद्दी के भाव से बेचिए, शायद बेच भी नहीं सकते सुरक्षा के दृष्टिकोण से। सीएजी ने एक बड़ा ही गलत रिपोर्ट दिया, सरकार की मान्यता थी, सरकार के जो मालिक हैं जो कॉरपोरेट, उनकी चाह थी कि आप ऐसा रिपोर्ट दो। सीएजी ने तो रिपोर्ट में यह भी दिया कि इनके सामान सब स्टैंडर्ड हैं और कई जगह जैसे गोले बारूद हैं, समय पर नहीं फटते, जब नहीं फटना होता फट जाते, तो उसमें सुधार की संभावना होती है, और वैसे हर जगह होता है। आप माइंस की कहानी पढ़े दुनिया भर, भरे पड़े सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके आज तक, खासकर सीरिया, अफगानिस्तान, अरब कंट्रीज में भरे पड़े हैं जो अमेरिका और नाटो कंट्रीज ने वहां छोड़ रखा है, इसराइल और सऊदी अरेबिया ने जहां तहां लगा रखे, कई जगह विस्फोट हुए कई जगह ना हुए, अभी भी फूटते हैं, लोग अपंग होते हैं। और अब कल 1 अक्टूबर को सारे एम्प्लॉयज और यूनियन, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ जो आरएसएस के साथ है और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन और शायद ऑफिसर्स के भी जो है, ये लोग कोर्ट में तो जा ही रहे हैं, कल काला दिवस मनाएंगे, काली पट्टी बांधेंगे, इससे अधिक ताकत नहीं है, और इसका दोष हम इन पे दे भी नहीं सकते। ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन 12-13 लाख जिसके एम्प्लॉयज है, वो आधा दिन का भी हड़ताल करने में असमर्थ हो रहे, तोड़ा है उसको, तोड़ा गया धीमे धीमे, केवल भाजपा ही नहीं, उसके पहले कांग्रेसी सरकार ने भी तोड़ा है, यूनियन के द्वारा जो आंदोलन किया है तो खत्म हुए, ऐसा नहीं है कि जनता विरोध नहीं कर रही है। आपको पता है 6 से 7 महीने से अधिक हो गए किसानों के आंदोलन को, उसके पहले लंबा संघर्ष चला था और अभी भी पेंडिंग है, मजदूरों का आंदोलन जो श्रम कानून को ध्वस्त करने के खिलाफ में किया गया था, सीएनआरसी के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था वो अभी है, फौजियों द्वारा, आज आपके जानकारी के लिए बता दूं जो रिटायर्ड हैं, आज 3000 दिन पूरे हो गए आंदोलनरत है, सुप्रीम कोर्ट भी उनका केस पेंडिंग है 1 rank 1 pension के लिए। तो दोस्तों, यह लड़ाई काफी दिनों से चल रहा था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मजदूरों द्वारा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, असफल रहे, हार गए, बहुत सारे हार रहे, इंडियन रेलवे, बीएसएनएल, स्टील, आयरन फैक्ट्रीज, एयरपोर्ट, एयरलाइंस, जहाज रानी, सब खत्म हो रहे, बड़ी तेजी से जो 1990-92 से शुरुआत की थी कांग्रेस सरकार ने, तथाकथित मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, वित्त मंत्री थे उस समय, बाद में प्रधानमंत्री भी बने, बीच में अटल बिहारी वाजपेयी है और अभी मोदी सरकार है, कॉरपोरेट वर्ल्ड को मौका है, लूटो, बड़ी तेजी से लूट चल रही है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को मुनाफे के लिए नहीं बनाया गया था, देश के सुरक्षा के लिए और डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनने के लिए, आत्मनिर्भरता तो खैर नहीं हुई लेकिन जो है उसे भी ध्वस्त किया जा रहा है। कॉरपोरेटाइजेशन अगला कदम है, वहां पे कॉरपोरेट वर्ल्ड का शेयर खरीदने के लिए रास्ता खोलने का और उसके बाद से उसकी पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन करने का, और वहां पे जो मजदूर आज हैं जिन्हें पेंशन मिलेगा रिटायरमेंट के बाद से, और इसमें उसका प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, मरने पे परिवार वालों को पेंशन या मुआवजा, बीच में बीमार पड़े तो उसकी देखभाल, बच्चों की शिक्षा, ये सब खत्म हो जाएगा, यह कॉन्ट्रैक्ट लेबर करेंगे, जरूरत नहीं है, स्किल्ड भी हैं तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में ही आएंगे। धन्यवाद साथियों।